यहाँ का जो सोन पापड़ी है बहुत ही स्वादिष्ट होता है और खासकर घी वाला है। और हंसडीहा आए और सोन पापड़ी ना खाएं तो मजा नहीं है। तो फिलहाल सोन पापड़ी लेके देखते हैं और राजेश भाई को भी टेस्ट कराते हैं। राजेश भाई खाने खाइएगा? हाँ खाएंगे। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो भाई अभी सुबह के बज रहे 8 और देखिए मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा है, सूरज भी निकल चुका है और ये देखिए सामने होटल है, वहीं पे हमने गाड़ी लगाया है रोड किनारे। और वो सामने जो हौदा देख रहे हैं, अभी सुबह सुबह हम नहा भी लिए हैं और मैं मीरगंज से 4 बजे सुबह में चला था और लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ। और ये जो रोड है भागलपुर दुमका वाला रोड है। तो अभी हम लोग जगदीशपुर में रुके हुए हैं, तो यहीं पर सोचे फ्रेश वगैरह हो लेते हैं और नहा भी लेते हैं क्योंकि 3 दिन से नहाए नहीं थे। तब चलते हैं सामने वाला होटल में चाय वगैरह पीते हैं और आगे निकलते हैं। दोस्तों अभी होटल पे आ चुके हैं और ये देखिए सुबह सुबह हम लोगों का कुल्हड़ वाला चाय, तो आज सुबह सुबह का पहला चाय हो रहा है। बाकी इधर राजेश भाई भी मुंह वगैरह धो के आ गए हैं चाय पीने के लिए। कैसा चाय है राजेश भाई? बढ़िया बढ़िया लग रहा है कुल्हड़ वाला चाय। यहाँ का लड्डू भी बहुत प्रसिद्ध है, 20 रुपये मिलता है लेकिन अभी ख़त्म हो गया है। फिलहाल अब पेड़ा खाए हैं। दोस्तों अभी निकल चुके हैं हम लोग दोनों भाई और आगे बांसी पड़ने वाला है तो बांसी में ही हम लोग खाना बनाएंगे। फिलहाल देखिए राजेश भाई भी इधर बगल में बैठे हुए हैं। राजेश भाई खाना वगैरह क्या बनाएगा आज? गोभी सब्जी चावल बनेंगे। तो कहाँ पे बनाइएगा, कितना आगे? अब चलिए अब जहाँ आप ले जाएंगे वहीं बनेगा। अरे जो पिछला बार जहाँ बनाया था वहीं बनाया जाए क्या? वही सही रहेगा, नल वगैरह का सारा व्यवस्था है। हाँ क्योंकि हम लोग को गिरिडीह होके जाना है, देवघर से गिरिडीह होके, तो गिरिडीह में नो एंट्री रहता है, रात 10 बजे नो एंट्री खुलता है, तब तक हम खाना पीना बना लेते हैं और आराम से चलते हैं, क्या दिक्कत है? क्या राजेश भाई ठीक है? और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ में रहने में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। खाना पीने की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत नहीं, आराम से खाइए पीजिए, मस्त रहिए, समझे ना, एकदम इंजॉय वाला जिंदगी जिए, कोई टेंशन वाला बात नहीं। दोस्तों सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हम लोग हंसडीहा से 30 किलोमीटर पीछे और बंसी से 7 किलोमीटर पीछे रुके हुए हैं। तो सामने देख सकते हैं चापाकल है और इधर देखिए दाहिने साइड में हमने गाड़ी लगा दिए हूँ और भी बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है। तो खाना दोस्तों आज हमारा यहीं पे बनने वाला है क्योंकि पिछले बार भी जब हम लोग जा रहे थे नेपाल तो हम लोग खाना यहीं पे बनाए थे, यही लोकेशन में। तो फिर दोबारा वही लोकेशन में आ चुके हैं फिलहाल हम लोग। दोस्तों दिन के 10:30 बज चुके हैं और ये देखिए राजेश भाई जो है पूरा बर्तन का सेटअप उतार लिए हैं, करेट और चटाई वगैरह, और खाना बना रहे हैं यहाँ पे। क्या बन रहा राजेश भाई बताओ? आलू गोभी बन रहा, आलू गोभी। चावल बन गया? देखिए दोस्तों उधर चावल भी बना दिया है, उधर आलू गोभी को भी फ्राई कर लिया है, अब प्याज को फ्राई कर रहा है। आज गोभी मसाला कैसा बनने वाला है? सही बनेगा, बढ़िया एकदम। तो आज हम लोगों का दोस्तों एक तरह से पिकनिक ही हो रहा है। वो देखिए उधर गाड़ी साइड में लगा हुआ है और भी अगल बगल में सारा गाड़ी वाला खाना बना रहा है और बहुत मस्त यहाँ पे पार्क के जैसा है, पेड़ पौधा पूरा लगा हुआ है। दोस्तों ये देखिए मसाला भी डाल दिया है, अब मसाला जब भून जाएगा तो जो है वो गोभी डालेगा राजेश जो है, खाना बढ़िया बना लेता है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। कहाँ राजेश भाई? दोस्तों ये देखिए गोभी और आलू फ्राई किया हुआ मसाला में डाल दिया है, अब बढ़िया से भून रहा है इसको। सर ग्रेवी के लिए पानी डालेगा तो हमारा आलू गोभी का सब्जी रेडी हो जाएगा। दोस्तों हमारा सब्जी रेडी हो चुका है, ये देखिए पानी डाल के राजेश भाई बढ़िया से खोला दिया था, अब चलते हैं वो लोग खाना खाने के लिए। दोस्तों हमारा खाना निकल रहा है थाली में, ये देखिए उधर सब्जी भी रेडी हो गया, इधर चावल भी रेडी हो गया। दोस्तों हम लोगों का खाना निकल चुका है और ये देखिए इधर राजेश भाई का खाना निकल रहा है और खा रहे हैं, इधर हमारा भी खाना है। तो आज आलू और गोभी का सब्जी फटाफट बना दिया राजेश भाई, अब देखते हैं राजेश भाई का खाना तो वैसे बढ़िया ही बनता है, आज भी कैसा बनने वाला है। काफ़ी स्वादिष्ट बना है दोस्तों। कैसा है राजेश भाई खाना? बढ़िया बना है ना? तो खाना बहुत मस्त बनाते हो यार, क्या क्या डालते हो मसाला इसमें? हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, अच्छा, लहसुन, प्याज सब डालना पड़ता है।
इसके वजह से खाना पूरा टेस्टी बन जाता है ना। बल्कि चलिए ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं आराम आराम से। दोस्तों दिन के 1:30 बज चुके हैं और हम लोग खाना खा के सो गए थे, तो फिलहाल अभी उठ चुके हैं, मुंह वगैरह भी धो लिए हैं, अब निकलने का तैयारी करते हैं। तो सामने देख सकते हैं इतना बड़ा पेड़ था कि इसका छाया में इतना अच्छा नींद आया कहना नहीं। कह रहे जीत भाई सही बोल रहे, आप सोए कि नहीं? हम भी सोए। अब चला जाए? चला जाए। इधर हंसडिया देवघर होते हुए निकल जाएंगे गिरिडीह, क्या? तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब यात्रा हम लोग आरंभ करते हैं। बहुत देर आराम कर ली है, अब गाड़ी भी चलाना जरूरी है। दोस्तों दिन के 2:30 बज चुके हैं और हम लोग फाइनली हंसडिया पहुंच चुके हैं, और ये देखिए सामने हंसडिया चौक है। तो हम लोग राइट मारेंगे तो देवघर चले जाएंगे, लेफ्ट मारेंगे तो गोड्डा चले जाएंगे, लेकिन सामने गोड्डा का भी बोर्ड डाला हुआ, और सीधा जाएंगे तो दुमका सेवड़ी सीतिया जा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग हंसडिया चौक के बगल में ही रुके हुए हैं, और इधर सामने देख सकते हैं आप सोन पापड़ी का दुकान, नेहा सोन पापड़ी का दुकान है, बम बम मिष्ठान भंडार है। यहाँ का जो सोन पापड़ी है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और खासकर घी वाला है। और हंसडिया आए और सोन पापड़ी ना खाएं तो मजा नहीं है। तो फिलहाल सोन पापड़ी लेके देखते हैं और राजेश भाई को भी टेस्ट कराते हैं। अरे राजेश भाई खाने खाइएगा? हाँ खाएंगे। कैसा? एकदम अच्छा लगता है सोन पापड़ी खाने में? हाँ लाइए लेकर हमें। तो ठीक है दोस्तों, सोन पापड़ी थोड़ा ले लेते हैं, क्या हंसडिया का सोन पापड़ी पूरे झारखंड लेवल में फेमस है। हाँ भैया 300 रुपये किलो कौन है बताए? नहीं 300 रुपये किलो कौन है? वही वाला है ना, देसी घी से बना हुआ है। और ये सब? ये वाला क्रीम घी वाला है। चलिए ठीक है दोस्तों, यही है सोन पापड़ी, हंसडिया का प्रसिद्ध है, यही ले ले रहे हैं आधा किलो टेस्टी के लिए। दोस्तों सोन पापड़ी गाड़ी में लेकर आ चुके हैं, और ये देखिए राजेश भाई खोल रहे हैं। अब राजेश भाई इसको टेस्ट करके बताने वाले हैं कि सोन पापड़ी कैसा है। देखिए दोस्तों ऐसा ही सोन पापड़ी है, खा के देखिए राजेश भाई, देखिए कैसा टेस्टी है। मटका लगा कैसा टेस्ट है बताइए? हम खाए तो बढ़िया लग रहा है दोस्तों। हाँ कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। तो ठीक है दोस्तों निकलते हैं। दोस्तों दिन के 4 बज चुके हैं और हम लोग देवघर में पहुंच चुके हैं। ये देखिए देवघर यहाँ से मात्र 4-5 किलोमीटर बगल में है, और इधर बगल में देखिए नगर पालिका, तो यहाँ पे नगर पालिका कटवाना पड़ता है। कितने का भैया? 160। ये देखिए 160 रुपये का नगर पालिका है भाई, इधर देखिए 157 रुपये। अब फिलहाल यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे से बाईपास निकलता है गिरिडीह के लिए। तो ठीक है दोस्तों देवघर पहले सिटी पार कर लेते हैं। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग देवघर पार करके बेंगाबाद गिरिडीह वाला रोड पे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग देवघर एम्स से लगभग 1 किलोमीटर आगे हैं, और ये देखिए रोड किनारे ही हम लोग गाड़ी इधर लगाए हैं, और यहाँ से देवघर एम्स मात्र 1 किलोमीटर आगे है, और ये है बेंगाबाद गिरिडीह जाने वाला रोड। तो फिलहाल होटल के किनारे गाड़ी लगाए हैं और टायर वगैरह चेक कर लेते हैं, क्योंकि टायर हंसडिया से चले थे तो लगातार चले थे, टायर तो बहुत गर्म हो चुका है दोस्तों। टायर को पहले ठंडा होने देते हैं, तब तक राजेश भाई जो है शीशे वगैरह साफ कर लेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं इधर भी होटल है चारों तरफ, इधर भी होटल है, तो शीशे वगैरह साफ करके चाय पियेंगे, उसके बाद आराम से अगरबत्ती वगैरह जला के निकल जाएंगे, क्योंकि गिरिडीह का नो एंट्री लगभग 10 बजे रात में खुलता है, तो यहाँ से मुश्किल से 30-40 किलोमीटर का दूरी और बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इधर शीशा वगैरह भी पूरा गंदा हो गया है, थोड़ा शो में भी कपड़ा वगैरह मार देते हैं अच्छा रहेगा। राजेश भाई क्या कर रहा है ये देखिए, शीशा ही साफ कर रहा है। देखिए इधर राजेश भाई बोल रहे टायर पूरा गर्म हो गया है, टायर को ठंडा होने देना पड़ेगा, और टायर थोड़ा चेक कर लीजिए ना, कहीं काटी किला वगैरह होगा पत्थर वगैरह, और उसके बाद आराम से अगरबत्ती वगैरह जला लीजिए पैर हाथ धो के, उसके बाद चाय पी के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अंधेरा होने को आ गया है और राजेश भाई जो है अपना सारा गाड़ी का काम कर लिया है, शीशा वगैरह भी साफ कर लिया, अगरबत्ती भी जला दिया,
एक घंटा रुके भी, टायर वगैरह सारा ठंडा हो गया है। अब निकलते हैं यहाँ से और चाय पानी भी हमारा हो ही गया। तो राजेश भाई निकला जाए? निकला जाए। नो एंट्री कब खुलेगा? खुलेगा 10 बजे। 10 बजे चलिए ठीक है दोस्तों, निकलते हैं। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग बेंगाबाद में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से गिरिडीह ज्यादा दूर नहीं है। और ये देखिए राजेश भाई जो है समोसा गरम गरम लेके आ गए हैं। राजेश भाई कैसा लग रहा है समोसा? बढ़िया है, गरम वाला, गरम गरम है ना। और ये देखिए दोस्तों हमारा भी समोसा दो है, अभी किधर खा रहे थे। दोस्तों अभी रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग गिरिडीह से 5-6 किलोमीटर पीछे रुके हुए हैं। तो अभी बज रहे रात के 8 और लगभग 10 बजे नो एंट्री खुलता है। तो लगभग 2 घंटा हम लोगों को यहीं पे वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, वेट ही कर सकते हैं और करके आ सकते हैं क्योंकि आगे तो नो एंट्री लगा हुआ है। गिरिडीह का बाईपास भी नहीं है क्योंकि सिटी होके ही हमको डुमरी जाना पड़ेगा। तो ठीक है, 2 घंटा वेट कर लेते हैं, 2 घंटा बाद निकलते हैं। फिर डुमरी से जो फुसरू वाला रोड गया है उसमें 5 किलोमीटर आगे दाहिने साइड में जहाँ जिस दिन हम बोकारो गए थे गाड़ी खड़ा करके, वही होटल में खाना वगैरह खाएंगे। ठीक है दोस्तों, वेट कर रहे हैं। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग आ गए हैं जहाँ पे गिरिडीह का नगर पालिका कटता है। देखिए सामने ही नगर पालिका कटता है और हमने नगर पालिका भी कटवा लिया। ये देखिए 180 रुपया का। अब चलते हैं गिरिडीह सिटी पार करते हैं। दोस्तों रात के 11:30 बज चुके हैं और हम लोग डुमरी से खुसरो वाला रोड में है। तो अभी डीजल घट गया था हमारा गाड़ी में, तो ये देखिए 3000 का डीजल अभी ले रहे हैं। और अभी भी यहाँ से बालीडीह लगभग 50 किलोमीटर बचा हुआ है, 50-60 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, डीजल वगैरह लेते हैं और 1 किलोमीटर आगे हम लोगों का खाना पीना होगा और सुबह सुबह गाड़ी बालीडीह लेकर जाना है और कल खाली भी करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं और हम और राजेश भाई खाना खाने के लिए आ चुके हैं। उधर देखिए राजेश भाई खाना खा रहे हैं और इधर हमारा खाना लगा हुआ है। और खाना में हमारा रोटी और पनीर मसाला लगा हुआ है और देखिए इसमें मलाई भी डाल दिया है। इधर आलू का भुंजिया, खाना काफ़ी बेहतरीन है और आलू के भुंजिया के साथ में पनीर मसाला खाने का मजा ही कुछ अलग है। दोस्तों हम और राजेश खाना खा के गाड़ी पे आ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग यहाँ सोने के लिए और लगभग सुबह 4 बजे उठ के यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1.5 घंटा का रास्ता है। तो अभी जाके भी कुछ फायदा नहीं है क्योंकि अभी 12:30 बज चुका है और जाएंगे तो लगभग 2:30 बज जाएगा, तो नींद भी पूरा नहीं होगा। तो हम सोच रहे हैं 2-3 घंटा सो लेते हैं, उसके बाद 4 बजे सुबह गार्ड को बोल दिए हैं वो उठा देगा, उसके बाद चले जाएंगे। और लेबर भी आता है तो 8-9 बजे के बाद ही आता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग पहुँच चुके हैं जैना मोड़ में। तो फिलहाल अभी पीना है चाय और वो देखिए हमारा गाड़ी वहाँ सामने लगा हुआ है। पार्टी बोला है कि यहीं पे गाड़ी खड़ा कीजिए, मेरा आदमी के भेज रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, काटा करवा के तो गाड़ी हमारा खाली हो ही जाएगा। इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।